बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक है जी बेटा। आज हमारा जो लेक्चर है पर्सनल स्टडीज का है, RT3 चैप्टर नंबर 2 है, उसका सेकेंड हाफ है। द पाकिस्तान गवर्नमेंट कालिदासन शो एज अचीवमेंट एज फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल कालिदासन की खिदमत और कारनामे। क्या हमें पाकिस्तान के बाद जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, ठीक है, तो उस वक्त कायदे आज़म जो है उन्होंने गवर्नर जनरल का बलब उठाया। 14 अगस्त 1947 को अलग कर लिया। गवर्नर जनरल का बलब उठाना मतलब होता है वादा लेना, अल्लाह ताला से वादा करना कि मैं आईन को मुकदम रखूंगा और कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई फैसले नहीं करूंगा और कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हलफ पासदारी वादा करना, ठीक हो गया। तो जिस तरह से गवर्नर जनरल इसी तरह से जैसे एक मुल्क का प्रेसिडेंट होता है, तो कायदा जो भी मुल्क के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया, ओथ ली 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो हेडिंग आ गया कि गवर्नर जनरल का हलफ उठाना, गवर्नर जनरल का हलफ उठाना, ठीक है। तो हलफ किसने उठाया? कायदा जो ने उठाया, कब उठाया? 14 अगस्त 1947 को एज ए गवर्नर जनरल के हैसियत से हलफ उठाया। और लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नामज़द हुए, यानी कि पहले गवर्नर जनरल कायदे से थे और लियाकत अली खान जो थे वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नामज़द हुए, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बन गए। नवाज़िंदा होता है नई नई मम्लिकत, नवाज़िंदा मम्लिकत नई मम्लिकत, नया नया क़याम, ठीक है। जो नई मम्लिकत थी, नवाज़िंदा मम्लिकत थी, का दस्तूरी ढांचा तैयार नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का आईन अभी नहीं बना था। दस्तूर होता है आईन, दस्तूर का मतलब क्या है? आईन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो पाकिस्तान का अभी दस्तूरी ढांचा तैयार नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो था पाकिस्तान का वो भी तैयार नहीं था। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो 1935 का आईन था उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां करकर उसको आईन पाकिस्तान का नाम दे दिया गया, ठीक है। 1935 के एक्ट में मुनासिब तब्दीलियां करके मुल्क का निजाम इसके तहत चलाया गया, ठीक हो गया ना। अभी पाकिस्तान का आईन नहीं बना था, तो वो जो 1935 का आईन था उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां करके उसके तहत पाकिस्तान का निजाम चलाया गया। इसको बेटा लाइक कर ले। कायसर बिन मोहम्मद अली जिन्ना ने 13 माह गवर्नर जनरल की हैसियत से जिंदा रहे, अंडरलाइन कर लें। कायसर बिन 13 माह अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज है। ऐसे गवर्नर जनरल की हैसियत से काम किया कायसर बिन ने 13 माह, ठीक है, और उसी वक्त तक जिंदा रहे। इस मदद में आपने अपनी बसीरत, अकलमंदी, बसीरत, अकलमंदी और कायदाना सलाहियतों, लीडरशिप क्वालिटी, कायदाना सलाहियतों, लीडरशिप क्वालिटी से अहम कौमी मामला, जो नेशनल इश्यूज थे, कौम के जो मामला थे, नेशनल लेवल पे जो मामला थे, इश्यूज थे, उनको सुलझाया, उनको ठीक किया, जिससे पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो सका, ठीक हो गया। सेकंड हेडिंग है कदावर शख्सियत, बड़ी शख्सियत, रौबदार शख्सियत, गॉर्जियस पर्सनैलिटी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कदावर शख्सियत ने
आजादी के बाद पैदा होने वाली मुश्किल, आजादी के बाद पैदा होने वाली मुश्किल, यानी जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान को जो मुश्किल दरपेश थी, पाकिस्तान को जो मुश्किल का सामना था, उनको बड़े ऐसे तरीके से यानी अच्छे तरीके से सुलझाया। ठीक है, मसलन कौन से मामला थे? हिंदुओं ने पाकिस्तान के लिए हर तरह से मुश्किल पैदा करने की कोशिश की, यानी जब पाकिस्तान बन गया तो उनकी कोशिश थी कि ये पाकिस्तान कभी अपने पांव पे खड़ा ना हो सके और ये जल्द ही दोबारा से टूटकर भारत का हिस्सा बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के रास्ता रोकने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मुश्किल पैदा की, रोड़े अटकाए, जिनमें नंबर एक कर लें आजादी के बाद की मुश्किल का अंडरलाइन कर लें, इसको जरा सब हेडिंग डालें आजादी के बाद की मुश्किल, जिनमें वो कौन सी मुश्किल थी जिनमें असासा जात की गैर निसाबी तकसीम एसेट्स, एसेट्स होते बेटा जिनकी जो दौलत पाकिस्तान के हिस्से में आनी थी, यानी कि जो टोटल सब भारत में जो 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 उस वक्त जो बैंक था जिसे हम स्टेट बैंक कहते हैं, जो मेन बैंक होता है जिसमें तमाम की तमाम जो रकूम है उसमें जमा होती हैं उसको स्टेट बैंक कहते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो रकम पड़ी हुई थी, जो पैसे पड़े हुए थे, तो जाहिर है अगर उसकी भी तकसीम होनी थी तो उसको असासा जात कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो असासों की गैर मुसावी तकसीम ये सबसे पहली मुश्किल थी। ठीक है, महाजरीन की बात करी, यानी जो मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आए उनको पाकिस्तान में आबाद करना, किस तरह से आबाद करना, किस तरह से उनके रहायश का बंदोबस्त करना, किस तरह से उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना, किस तरह से उनके जॉब्स का बंदोबस्त करना, किस तरह से उनके तो बाकी जो रोजमर्रा के मामला हैं उनका बंदोबस्त करना, तो महाजरीन का मसला, ठीक है, आबाद करी और उनके साथ नारवा सलूक करें पूरा सलूक, और इसके अलावा इंतजामी ढांचा की बरवकत नकलो हमल, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि जिसके तहत मुल्क चलाया जाता है, जो मुल्क चलाने के लिए जो इंतजामी ढांचा चाहिए होता है, ठीक है, वो जो है पाकिस्तान में बरवक्त टाइम पर वो पाकिस्तान को वो जो इंतजामी ढांचा था वो पाकिस्तान टाइम पर पहुंच ना सका। बरवक्त नकलो हमल, नकलो हमल होता है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को पहुंचाना, ट्रांसफर करना, उसको नकलो हमल कहते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इंतजामी ढांचे की बरवक्त नकलो हमल ना हो सकी, तो ये थी इब्तदाई मुश्किल जब पाकिस्तान बनने के फौरन बाद कायद अजम को जिन मुश्किल का सामना करना पड़ा, और उन्होंने वो इन तमाम मुश्किल को बड़े एहसन तरीके से अच्छे तरीके से इसको सुलझाया और पाकिस्तान को एक नया रास्ता दिखाया कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, जैसे जैसे भी हालात हैं हमने पीछे मुड़के नहीं देखना, बस अब आगे देखना है। ठीक हो गया, इसके बाद बेटा पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, अगली हेडिंग आ जाएगी, कायद अजम ने हालात की नजाकत को भांपते हुए, हालात को देखते हुए, हालातों वाकयात का जायजा लेते हुए फौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत करा दिया। कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान कौन था? कराची था। किसको बनाया? कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना दिया। नंबर तीन, ईमानदारी से काम करने की तलकीन, पाकिस्तान का सेक्रेटेरिएट बनाया। सेक्रेटेरिएट बेटा वो जगह थी जहां पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है वहां पर काम करते हैं। दिस इज ये आल्सो जो है इंतजामी ढांचे में एक अहम किरदार अदा करता है सेक्रेटेरिएट, जहां पर
सरकारी अफसरान को उनको मुख्तलिफ जॉब्स पे रखा जाता है और जिसके तहत मुल्क के मामला को चलाया जाता है। तो सेक्रेटेरिएट में यहाँ पर गवर्नमेंट के ग्रेड वन से लेकर ग्रेड 20 तक के जो सरकारी अफसरान है वो सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान का सेक्रेटेरिएट बनाया और सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल, और जो सरकारी मुलाजम थे जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उसे कहा मुकम्मल दयानतदारी और ईमानदारी नेक नीयत से काम करना है। तलकीन की नसीहत की, अफसरान की मुंतकली, यानी कि जो भारत से जो अफसरान जो भारत में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो वहां पर जो अफसरान जो ऑफिसर्स वहां पर रह गए थे उनको पाकिस्तान लेके आना था, तो वो उनको कैसे पाकिस्तान लाया गया, उनको कैसे पाकिस्तान में मुंतकिल किया गया, ट्रांसफर किया गया, तो आप हिंदुस्तान से अफसरान के मुंतकिली खास गाड़ियां चलाई, यानी हिंदुस्तान से पाकिस्तान में अफसरान को लाने के लिए खास स्पेशल ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया जिससे ये अफसरान पाकिस्तान पहुंच गए। ठीक है। हवाई कंपनी से फायदा, इन अफसरान को लाने के लिए एक तो जो है जिन्होंने पंजाब से आना था, ठीक है, जो इंडियन पंजाब था तो वो तो बाय रोड भी आ सकते थे, लेकिन अब किसी ने दिल्ली से आना है, बॉम्बे से आना है, तो उसके लिए हवाई जहाज चलाए गए, तो एक हवाई कंपनी से फायदा किया गया। ठीक है, अंडरलाइन कर ले इसको। तो हवाई कंपनी से फायदा किया जिससे सरकारी मुलाजमत की नकल व हमल शुरू हो गई, यानी कि जो अफसरान हिंदुस्तान से पाकिस्तान आना चाह रहे थे उनको पाकिस्तान पहुंचाया गया, जो हिंदू अफसरान पाकिस्तान से इंडिया जाना चाह रहे थे उनको इंडिया पहुंचाया गया। तो सरकारी अफसरान की मुंतकली कब हुई, कैसे हुई, एक तो खास गाड़ियों के जरिए हुई, दूसरी हवाई कंपनी से फायदा किया गया जिससे अफसरान की नकल व हमल शुरू हो गई। इंतजामी ढांचे की बेहतरी, यानी कि जिसके तहत मुल्क चलाया जाता है उसमें बेहतरी लाई गई। ठीक है। इंतजामी ढांचे की बेहतरी के लिए चौधरी मोहम्मद अली की सरकर्दगी में एक कमेटी बनाई गई, चौधरी मोहम्मद अली के अंडर एक कमेटी बनाई गई, उनकी सुपरविजन में, सरकर्दगी में उनकी सुपरविजन में एक कमेटी बनाई गई, इसलिए इंतजामी ढांचे की बेहतरी के लिए। ठीक है। सिविल सर्विसेज का इजरा का शुरू करना, यह भी हेडिंग है। सिविल सर्विसेज बनाता है कि भाई मतलब है कि जिसने बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के तहत सीएसएस का या पीसीएस का एग्ज़ाम दे सकता है और वो एग्ज़ाम्स पास करने के बाद आपको ग्रेड 14, ग्रेड 16, ग्रेड 17, ग्रेड 18, ग्रेड 19 की जॉब्स मिलती हैं। तो उसके लिए उन्होंने सिविल सर्विसेज का इजरा किया, शुरू किया कि वो अफसरान जिन्होंने गवर्नमेंट की मुलाजमत करनी थी, जिन्होंने वो शख्स जिन्होंने गवर्नमेंट की मुलाजमत करनी थी उनके लिए पीसीएस के सीएसएस के एग्ज़ाम का काम शुरू हुआ और वो इन इम्तहान को क्लियर करके एज ए ऑफिसर पाकिस्तान में अपॉइंट हुए। ठीक है। तो सिविल सर्विसेज का इजरा और सिविल सर्विसेज अकेडमी और उन अफसरान की तरबियत के लिए, उन अफसरान की तरबियत के लिए सिविल सर्विसेज अकेडमी बनाई गई। ठीक हो गया। अकाउंट और फॉरेन सर्विसेज अंडरलाइन कर लीजिए। अकाउंट्स बनाए जिनके जो पाकिस्तान जैसे कोई भी कंपनी, कोई भी कारखाना, कोई भी फैक्ट्री बनती है तो उसके लिए एक अकाउंटेंट बैठता है, जैसे आपके डायरेक्टर इनकम में सर खलील सर इमरान बैठे हुए हैं, तो जो भी इनकम जो फीसों की सूरत में आ रही है उसका रिकॉर्ड रखना, और जो भी और जो 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 अखराजात हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो एक्सपेंस हैं, वो खर्च हो रहे हैं, तो उसका भी हिसाब किताब रखना, तो कौन कर सकता है, एक अकाउंटेंट ही कर सकता है जिसको हिसाब किताब का पता हो कि कौन सी चीज़ कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना आया फैक्ट्री का खाना स्कूल लॉस में जा रहा है या फायदे में जा रहा है, ये अकाउंटेंट को पता होता है कि इस वक्त जो है इदारा किस पोजिशन पर है। ठीक है। तो इसे हम अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान ने अकाउंट्स और फॉरेन सर्विसेज का आगाज किया। फॉरेन सर्विस बनाता है कि पाकिस्तान ने अपने जो एम्बेसडर हैं, अपने जो सफीर हैं दूसरे ममालिक में अपॉइंट किए। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन सर्विसेज, दूसरे ममालिक से ताल्लुकात का आगाज किया। ठीक हो गया। फॉरेन सर्विसेज का समझ आ गया बेटा कि दूसरे ममालिक से ताल्लुकात का आगाज किया और पाकिस्तान ने अपने जो जो
नॉलेज था तो उनको उन ममालिक में अपॉइंट किया गया एज ए एम्बेसडर, तो फॉरेन सर्विसेज का इजरा किया गया, ठीक है, शुरू किया गया। इसके बाद है बहरी और बरी फौज की बेहतरी। बहरी और बरी फौज पहली होती बेटा कि जो फौज समंदर में जंग लड़ती है उसे हम बहरी फौज कहते हैं, और बरी फौज उसे कहते हैं जो जमीन के ऊपर लैंड पे जंग लड़ती है, ठीक है, उसे हम बरी फौज कहते हैं, और जो फिजाओं में जंग लड़ती है उसे हम फजाइया कहते हैं, ठीक है, एयरफोर्स कहते हैं। तो बरी और बहरी अफवाज की बेहतरी के लिए हेडक्वार्टर्स बनाए गए, बर्री और बहरी अफवाज की बेहतरी के लिए हेडक्वार्टर्स बनाए गए। इसके बाद जाहिर है कि बर्री और बहरी अफवाज को लड़ने के लिए असलाह चाहिए होता है, तो उसके लिए असलाह फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में 16 असलाह फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन जब उन्हें सासों की जो एसेट्स होते ना सासों की तकसीम, मैंने भी पढ़ा था, तो जब असला फैक्ट्रियों की तकसीम का मामला आया तो वो 16 फैक्ट्रियाँ इंडिया में रह गई पाकिस्तान को, उसमें से कोई फैक्ट्री नाम दी गई, लेकिन कायद आजम ने क्या किया कि असला फैक्ट्रियाँ कायम की, ठीक है। असला फैक्ट्री का क्या भी आप कायद आजम के दौरे पर हुआ, ठीक है। खारजा पॉलिसी की तरफ त्वजा, खारजा पॉलिसी ने बेटा फॉरन रिलेशन इनके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात, इसे हम क्या कहते हैं, खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी भी कहते हैं, कि हमने हिंदुस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, अफगानिस्तान के साथ कैसे रखने हैं, अमेरिका के साथ कैसे रखने हैं, यूरोपियन कंट्रीज के साथ कैसे मामला रखते हैं। तो अपने पहले जो है पाकिस्तान के हालात तो वाकयात को देखते हुए आपने जो खारजा पॉलिसी है उसकी तरफ भी खास तवज्जो दी, ठीक है। कायद आजम ने दूसरे मसाइल के साथ साथ खारजा पॉलिसी की तरफ भी तवज्जो दी, और खारजा पॉलिसी में हमसाया वाले यानी कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमसाया वाले जो नेबरिंग कंट्रीज हैं और दीगर बड़े ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल किया। दीगर बड़े ममालिक से मुराद है अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ये बड़े ममालिक जो पाकिस्तान को इमदाद दे सकते थे, उनके साथ जो हरकत पाकिस्तान के नया नया बना था तो उस वक्त पाकिस्तान को इमदाद की ज़रूरत थी। तो एक हमसाय ममालिक से ताल्लुकात बेहतर किए, दूसरे जो बड़े बड़े ममालिक थे यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज से, डेवलप कंट्रीज में आपको मैंने आपको नाम बताए, ये सारे सारे के सारे डेवलप कंट्रीज थे, इनके साथ ताल्लुकात अच्छे किए ताकि मुश्किल वक्त में इनसे मदद हासिल की जा सके। जो कि हमारी खारजा पॉलिसी के तहत काफिले में शामिल था, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ये उसमें से एक मेन जो है मकसद था कि हमसायों से ताल्लुकात और बड़े ममालिक से ताल्लुकात कायम करना, ठीक है। कौमी मुत्तहिदा का रुकन, मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान कौमी मुत्तहिदा का मेंबर बना तो इसमें भी कायद आजम की शख्सियत शामिल थी। तो कायद आजम की मुतबराना शख्सियत अक्लमंद, ठीक है, संजीदा, कायद आजम की मदबराना शख्सियत के द्वारा पाकिस्तान अकवामे मुत्तहिदा का रुकन बना, ठीक है। अकवामे मुत्तहिदा अपना जो भी मुल्क आज़ाद होता है और इस दुनिया के नक्शे पर उभरता है तो वो अगर अकवामे मुत्तहिदा के रूल्स एंड रेगुलेशंस और चार्टर की पाबंदी करेगा तो वो अकवामे मुत्तहिदा का मेंबर बन सकता है, ठीक है। अगर कोई मुल्क अकवामे मुत्तहिदा के रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन करता है तो वो अकवामे मुत्तहिदा का मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है। जब आप ये टाइम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अकवामे मुत्तहिदा क्या चीज है। बहरहाल पाकिस्तान अकवामे मुत्तहिदा का मेंबर बना, ये भी कायद आजम की मुतबराना शख्सियत की वजह से पाकिस्तान जो है वो अकवामे मुत्तहिदा का मेंबर बन गया। तालीमी मैदान में तरक्की, अगली हेडिंग आएगी पाकिस्तान क्या भाई, पाकिस्तान के वक्त जहाँ बेशुमार मसाइल थे हम पढ़ गए हैं मसाइल, वहाँ तालीमी मैदान में भी कामयाबी हासिल करना ज़रूरी था। तो तालीम के बारे में अगर हम शुरू हुए अगर हम देखें पीरियड्स को, सर सैयद अहमद खान का पीरियड देखें तो उन्होंने कोई भी तालीम कहा कि मुसलमानों को पहले तालीम हासिल करनी चाहिए, फिर सियासत करनी है, फिर सियासत में आना चाहिए, इस तरह से पहले आगे बढ़ना चाहिए। तो कायद आजम की नज़र में भी जो तालीम थी वो बुनियादी इकाई थी, बुनियादी जो एक पिलर था एक कौम को आगे बढ़ाने के लिए। तो कायद आजम ने तालीम की तरफ भी तवज्जो दी, उसकी तरक्की के लिए भी इकदाम किए। कायद आजम ने इस मसले को कि
खास इस मसले है कि तलीम की तरक्की की तरफ खास तवज्जो दी। इस सिलसिले में आपने अगर समय निकाले पहली तलीमी कॉन्फ्रेंस फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 पहली तलीमी कॉन्फ्रेंस कब मुनक्कद हुई 1947 में मुनक्कद हुई। आपकी नजर में तलीम का मकसद इखलाकियात की तश्कील था कि किस तरह से जो मोरालिटी है जो इकदार है जो वैल्यूज हैं मुसलमानों की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वैल्यूज थी जो इकदार थी जो उनका दौर जो दौर था वही जो वैल्यूज हैं इकदार हैं मॉरल क्वालिटीज हैं वो भी पाकिस्तान के मुसलमानों में आ जाए। ठीक है तो आपकी नज़र में तहरीक का मकसद इखलाकियात की तश्कील था। आपकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के हर शहरी कौम को बेलोस यानी कि चाहते थे कि पाकिस्तान का हर सिटीजन हर शहरी जो है पाकिस्तान की बेलोस बगैर किसी लालच के पाकिस्तान की खिदमत करे। ठीक है आपने नौजवानों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम को लाजमी करा दिया तो आपने साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम को लाजमी करा दिया। ठीक हो गया सेहत की खराबी अगली हेडिंग आ जाएगी। कायदे आज़म के समय जब तक जान रही उन्होंने पाकिस्तान की हर मुमकिन खिदमत की खराबी सेहत के बावजूद उनको बेटा टीबी था। ठीक है ट्राइब्यूटर्स भी कहते हैं उसको तो खराब उनकी यानी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो गई बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए थे उनसे उठा भी नहीं जाता था लास्ट डेज में। ठीक है तो खराबी सेहत के बावजूद भी अहम फायदों का मतलब क्या करते थे खून से अभ्यारी करना यानी अपना खून देकर पाकिस्तान की खिदमत की। ठीक है यानी कि अपने जान उन्होंने दे दी ना तो खून से अभ्यारी करना। अगर से कायदे की बीमारी ने बहुत कमजोर कर दिया था इसके बावजूद आपके मसले पस्त ना हुए कम ना हुए कमजोर ना हुए मर्स को फ्राइज के आगे काड़े ना लगे यानी कि वो बीमार थे लेकिन बीमारी के बावजूद जो उनका फर्ज था पाकिस्तान के लिए काम करना वो काम करते रहे और मर्स को भूल गए कि मुझे कोई मर्ज है मैं बीमार हूँ काम अपना करते रहे। अगर हम ये कहें कायदे आज़म ने अपने खून से पाकिस्तान की अभ्यारी की तो ये बेजान होगा गलत ना होगा। अगर हम कहें कि पाकिस्तान को तरक्की दिलाने के लिए कायदे आज़म ने अपने खून का आखिरी कतरा भी पाकिस्तान के लिए बहा दिया तो ये कोई गलत नहीं होगा। ठीक हो गया बेटा। अच्छा बेटा ये पहले कौन है जब इसे ये भी आपके सिलेबस में शामिल है इसके बाद पहले कारनामे ये नहीं है एडजस्ट कर दें इसको छोड़ दें या आपके सिलेबस में नहीं है। अब है कायदे मकासिद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि इसका मेन मीनिंग ये है कि पाकिस्तान हासिल करने का मकसद क्या था। ये जो रेजोल्यूशन थी जो करारदाद पेश की लियाकत अली खान ने 1949 में पाकिस्तान की पहली कानून साज असेंबली में इजलास मुनक्किद हुआ और लियाकत अली खान साहब जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर एक करारदाद रेजोल्यूशन पेश की जिसका नाम था करारदाद मकासद के पाकिस्तान को हासिल करने का मकसद क्या था किस मकसद के लिए हासिल किया गया था तो ये वो रेजोल्यूशन थी। ठीक हो गया तो 12 मार्च 1949 में लाइन कर ले इसको 12 मार्च 1949 को इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाब ज़ादा लियाकत अली खान ने कानून साज इदारे में कानून साज इदारे में लाइन कर ले जरा कानून साज इदारा यानी कि जहां जो जहां पर मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबलीज जिसे एमएनएस कहते हैं और मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज जिसे एमपीएस कहते हैं जब एक पार्टी इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाती है और वो हुकूमत किस जिस आइन के तहत बनती है और जिस आइन के तहत हुकूमत बनते जब वो असेंबली में बैठते हैं उसे कानून साज अदारा कहते हैं जहाँ पर कवानीन बनाए जाते हैं कानून साज अदारा जहाँ पर कवानीन बनाए जाते हैं। ठीक हो गया में एक करारदाद पेश की यानी कि असेंबली में इसको आप सिंपल वर्ड में कह लें कि कौमी असेंबली में एक करारदाद पेश की कानून साज अदारे को साहब ने आपने लिखना यही है कानून साज अदारा लेकिन साहब ने लिख लें कि कौमी असेंबली में कानून साज अदारे में एक उन्होंने करारदाद पेश की एक रेजोल्यूशन पेश की जिसमें इन नकात की निशानदेही की गई
उन पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया गया, उन इंपॉर्टेंट इश्यूज को पॉइंट आउट किया गया, बुनियाद बनाकर जिनको हमने बेस बनाना था उन पॉइंट को, उन पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट किया गया, जो मकसद था, क्या मकसद था कि मुल्क के मुस्तकबिल का दस्तूर बनाना, यानी कि फ्यूचर आइन, मुल्क के मुस्तकबिल का दस्तूर। अभी तो ये जो आइन था, जो कानून साज अदारा था, जो कौमी असेंबली थी, वो 1935 का आइन के तहत चल रही थी, जो थोड़ी बहुत तरमीम के साथ वो आइन पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में, फ्यूचर में, हमने एक अपना आइन बनाना है जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के जो अहम जो मेंबरान है, जो असेंबली के मेंबरान है, वो कवानीन बनाएंगे। ठीक हो गया। तो मुल्क के मुस्तकबिल का दस्तूर बनाना था। कौमी असेंबली ने इस करारदाद को ऑक्सीजन से मंजूर कर लिया। जब ये करारदाद नेशनल असेंबली में, कौमी असेंबली में पेश की गई, तो तमाम हाजिर अरकान जो थे वहां पर, उन्होंने इस करारदाद को मंजूर कर लिया। इस करारदाद को उर्फे आम में आमतौर पर इस करारदाद को उर्फे आम में करारदाद मकासिद का नाम दिया गया। ठीक हो गया। करारदाद मकासिद का नाम दिया गया, यहां से याद किया जाता है। करारदाद मकासिद के अहम नकाब में दर्ज आता है। तो करारदाद मकासिद बेटा, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इसमें तकरीबन 9 के करीब पॉइंट्स हैं आगे। तो बेटा ये तमाम के तमाम, जब पाकिस्तान का 1956 का आइन बना, ये तमाम के तमाम ये नकाब उसमें शामिल थे। 1962 का आइन बना, ये तमाम के तमाम नकाब उसमें शामिल थे। 1973 का आइन बना, ये तमाम के तमाम नकाब उसमें शामिल थे। ठीक है। इसको रख कर, इसको आगे रख कर पाकिस्तान का आइन बनाया गया। करारदाद मकासिद को सामने रखकर पाकिस्तान का आइन बनाया गया। तो सबसे पहले है अल्लाह ताला की हाकिमियत, सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह अलमाइटी, यानी कि पूरी कायनात का खालिक और मालिक, हाकिमियत मालिक। ठीक हो गया बेटा। इस करारदाद मकासिद में इस बात को जाहिर की गई कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है, यानी पूरी जो कायनात है, यूनिवर्स है, इसका मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। और सारा इख्तदार, यानी कि जो पूरी दुनिया पे, जो पूरी कायनात में जो कब्जा है, वो किसका है? अल्लाह ताला का है। ठीक है। और ये इख्तदार है मुसलमानों के पास, अल्लाह ताला की मान्यता है, यानी कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नाइब बना के भेजा है। ठीक है ना। तो नाइब में सबसे पहले कौन थे? अंबिया इकराम थे। ठीक है। इसके बाद सहाबा इकराम थे, उसके बाद जो खुलफ़ाए राशिदीन थे, और इसके बाद फिर जो मुसलमान रियासत में जो खलीफा आते रहे, वो क्या थे? वो नाइब थे। अल्लाह ताला ने उनको अपना नाइब मुकर्रर किया हुआ था। तो वो जो नाइब है, वो जो दुनिया में आकर जो निज़ाम हुकूमत चलाते हैं, वो अल्लाह ताला की बेसिकली इमानत है। वो जो इख्तदार है एक इंसान के पास, अल्लाह ताला की इमानत है। तो इख्तदार मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की इमानत है, तो जो अल्लाह ताला ने इख्तदार दिया है, जो हुकूमत दी है, वो मुसलमान के पास अल्लाह ताला की इमानत है। और इस इख्तदार को अल्लाह ताला की मुकर्रर करना हुदूद के अंदर, यानी कि अल्लाह ताला ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन कर दिए हैं कि भाई ये काम करना है और इस काम से ये काम नहीं करना है। ठीक है। तो अल्लाह ताला की मुकर्रर करता हुदूद, जो लिमिट्स है, अल्लाह ताला ने लिमिट्स मुकर्रर कर दी है, इससे हमने आगे नहीं जाना है। ठीक है। अवाम के मुतबिर मंदे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो अपना इख्तदार कायम करेंगे, अल्लाह ताला की जो डिफाइन करता जो हदूद हैं कि भाई ये इन हदूद को आपने इन हदूद के खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, और उस हदूद पे रह के अपने आपने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। तो ये अल्लाह ताला की हाकिमियत नंबर एक आ गया। नंबर दो, इस्लामी इख्तदार की पाबंदी, फॉलो द इस्लामिक वैल्यूज। ठीक है। इकदार होता है बेटा, यानी कि वैल्यूज। अब वैल्यूज को हम डिसाइड करेंगे कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं, और जब वो मदीना में रियासत मदीना कायम करते हैं, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मामला थे, उनका अखलाक कैसा था, उनकी गवर्नेंस कैसी थी, उन्होंने गरीबों के साथ क्या सलूक किया। ठीक है। चोर डाकू के साथ क्या सलूक किया, इंसाफ का गोल वाला था। तो ये सारी क्या है? वैल्यूज हैं, इकदार हैं। ठीक है। तो इस्लामी इकदार की पद्धति के करारदाद शासन ने इस बात की निशानदेही की कि पाकिस्तान में इस्लामी इकदार मसलन
इस्लामिक काल में क्या क्या चीजें शामिल है, जमहूरियत के डेमोक्रेसी, सब की राय लेना। जमहूरियत मतलब है कि सब की राय लेकर कोई फैसला करना, इसे कहते हैं जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। आज़ादी, तमाम लोग आज़ाद हैं, ठीक है। रवादारी, बर्दाश्त, और माशरत इंसाफ, सोशल जस्टिस, यानी कि अमीर हो या गरीब हो सबके साथ इंसाफ करना, को फ़रोग दिया जाएगा, ठीक है। इस्लामिक कानून पाबंदी में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, जमहूरियत, आज़ादी, रवादारी और माशरत इंसाफ को फ़रोग दिया जाएगा, तरक्की दी जाएगी। इस्लामिक तर्ज ज़िंदगी, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, यानी इस्लाम के मुताबिक, इस्लामी रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, इस्लामिक कवानीन के तहत ज़िंदगी गुजारना। मुसलमानों को अपनी इनफरादी, इंडिविजुअल, यानी मेरा अमल है वो भी इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, वो मेरा जो इज्तमाही अमल, मिल के जो अमल करते हैं उसे हम इज्तमाही कहते हैं। तो मुसलमानों की इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी इस्लाम के बताए हुए सुनों के मुताबिक, यानी कि इस्लाम के बताए हुए सुनों के मुताबिक अपनी आपने इंडिविजुअल ज़िंदगी भी गुजारनी है और कलेक्टिव ज़िंदगी भी गुजारनी है, इसके मुताबिक इस्लाम के सुनों के मुताबिक। तो उसके लिए बेहतर और मुनासिब माहौल फराहम किया जाएगा, ठीक है। बेहतर और मुनासिब माहौल फराहम किया जाएगा कि अपनी ज़िंदगी इस्लामी सुनों के मुताबिक गुजार सकें, ठीक है। अकलीतों का तहफ़ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी वो माइनॉरिटीज मतलब है अब पाकिस्तान है, यहाँ पर मैक्सिमम मेजोरिटी मुसलमानों की है और इसके अलावा जो कम तादाद में है, कम तादाद के मानने वाले मजहब जैसे क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ये सब क्या है, अकलियत है, माइनॉरिटीज में है, कम तादाद में है। तो इनको भी जो एक मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान को जो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, वो अपना उनको वो इस्तेमाल कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय कर रहा है, वही फंडामेंटल राइट्स के हैं, वो भी अकलियतों को भी मिलने चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान में रहने वाले तमाम गैर मुस्लिम शहरों को अपने मजहब और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, यानी कि वो अपना मजहब जो भी है वो उसको अपने मजहब को इख्तियार करें और अपनी जो इबादत है, जो उनकी इबादत है, उनका तरीका है, उसके मुताबिक अपनी इबादत भी करें, उनको इस तमाम काम के लिए सॉरी उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उनकी हिफाजत की जाएगी, ठीक है। बुनियादी हकूक की फरहमी, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तमाम शहरियों को किसी नस्ली, माशरती और माशियत मजहबी तासुब के बगैर तमाम शहरियों को हकूक फराहम किए जाएंगे। अच्छा, तमाम जो सिटीजन है, यानी कि पाकिस्तान के तमाम शहरी, चाहे वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी फिरके से, नस्ल किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, माशरे में उनका वो अमीर हैं या गरीब हैं, ठीक है, और माशी तौर पर वो बहुत बड़े कारोबारी हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं, और मजहब यानी उनका जो भी मजहब है, ठीक है, उनको वो उनके इन मामला में कोई अमल दखल नहीं किया जाएगा, उनके इन फंड ये उनके फंडामेंटल राइट्स हैं जो नस्ली, माशरती और माशी और मजहबी तासब के बगैर, यानी कि उनको बगैर किसी तासब के, ठीक है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को, बुनियादी हकूक को इंजॉय कर सकते हैं, उन पर पाबंदी नहीं लगा सकती, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जिसे हम बुनियादी हकूक कहते हैं, ये हम फॉलो करते हैं अक़वामे मुत्तहदा को, क्योंकि जब हम अक़वामे मुत्तहदा के मेंबर बन जाते हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर बन जाते हैं, तो वो जो फंडामेंटल राइट डिफाइन करते हैं उसमें ये राइट्स शामिल हैं, फंडामेंटल राइट्स। अगर हम इनकी वायलेशन करेंगे, अगर हुकूमत पाकिस्तान इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगी या आइन में तब्दीली करेगी, तो वो जो अक़वामे मुत्तहदा है, जो यूनाइटेड नेशन है, वो पाकिस्तान को अपने जो मेंबर अपने जो है वो इदारे से पाकिस्तान की जो रुकनियत है, मेंबरशिप है, उसको कैंसिल कर सकता है, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करेंगे, बुनियादी हकूक की वायलेशन करेंगे, तो अक़वामे मुत्तहदा क्या करेगा, हमें और अपने उस इदारे से निकाल सकता है, ठीक है। आगे है जी मुवक्किल निज़ाम हुकूमत, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क़रारे मुकासिम में वजाहत कर दी गई कि पाकिस्तान निज़ाम वफाकी जमहूरी होगा, जो कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए चलाया जाएगा। वफाकी जमहूरी होगा यानी कि जमहूरियत होगी और उस जमहूरियत में इसके अलावा तक चार पांच पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इलेक्शन लड़ती हैं, और इलेक्शन लड़ने के बाद जो पार्टी जीत जाती है वो अपनी हुकूमत बनाती है। जब वो हुकूमत बनाती है तो सबसे पहले किसका इंतखाब करती है, सदर का इंतखाब करती है, फिर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करती है, फिर स्पीकर का, फिर कौमी असेंबली का जो स्पीकर होता है, फिर उसका नायब स्पीकर होता है, फिर तमाम मेंबरान जो इलेक्शन जीत कर आते हैं अपनी सीटों पर बैठते हैं। तो ये क्या है, वफाकी तर्ज़ हुकूमत, ये क्या है,
अफवाह की तस्वीर को बोल कहते हैं, ठीक है, जो कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे यानी जो लोग इलेक्शन जीत कर आते हैं और जाके असेंबली में बैठते हैं, ठीक है। तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए जो है वो निज़ाम चलाया जाता है, इसे वफाकी निज़ाम हुकूमत कहते हैं, ठीक है। पसमानदा इलाकों की तरक्की, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, किरादत काशिद में इस बात का वायदा किया गया, इरादा किया गया, इजाद की गई या इसको दोहराया गया, आदा किया गया, इसको दोहराया गया कि पसमानदा इलाकों यानी वो इलाके जो बैकवर्ड है, जो तरक्की याफ्ता नहीं है, जहाँ पर बुनियादी सहूलतें नहीं है, पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए जरूरी इकदाम किए जाएंगे और इन्हें तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाएगा। यानी जो तरक्की याफ्ता इलाके जैसे लाहौर है, गुजरावाला है, सियालकोट है, सहेवाला है, शेखुपुर है, ये क्या है, ये डेवलप्ड एरियाज हैं, डेवलप्ड इलाके हैं, लेकिन इनके साथ एडजेसेंट इलाके हैं, साथ मुलहका इलाके हैं, वो उस तरह से वो तरक्की याफ्ता नहीं है, तो उन इलाकों को भी इन इलाकों के बराबर लाया जाएगा। तो पसमानदा इलाकों को तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाने के इकदाम किए जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज हो गया। आगे है जी अदलिया की आजादी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि अदालतें जो है आजाद होंगी, अदालतों में जो जजेस बैठे हुए हैं, जो सबसे पहले जो लोअर कोर्ट है उसमें जो मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, उससे आगे सिविल कोर्ट आ जाती है, उसमें उसमें डिस्ट्रिक्ट जज बैठे होते हैं, इसके बाद सेशन कोर्ट है, उसमें जो है वो सेशन जज बैठे होते हैं, हाई कोर्ट है, उसमें हाई कोर्ट के जजेस बैठे होते हैं। तो जहाँ जहाँ जो जो जज बैठा हुआ है वो अपने तमाम फैसले बगैर किसी खौफ दबाव के करेगा, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकेगा कि तुम हमारे, मतलब कोई जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, कोई और कोई बात असर शख्सियत है, वो जज के पास जाते हैं, कहते हैं जनाब ये फैसला इस तरह से करना है, तो जुडिशरी जो है अदालतें हैं वो आज़ाद होंगी अपने फैसले करने में, अदालतें आज़ाद होंगी, उनका कोई खौफ दबाव नहीं होगा। तो किरादत मकासिद में इस बात का को दोहराया गया कि अदलिया अपने फ़राइज की अदायगी में बिल्कुल आज़ाद रही है, तो जो उसके पास केस आया है उसने मेरिट पे करना है, इंसाफ पे करना है, और बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी फोर्स के, बगैर किसी कॉशन के काम करेगी, उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, उसके फैसले को तब्दील नहीं किया जाएगा, वो अपनी मर्जी से फैसले करेगा। उर्दू जबान इस बात की निशानदेही की पाकिस्तान की होगी और पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू होगी, ठीक हो गया। किरादत मकासिद की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, खुशी और इत्मीनान की लहर, अंडरलाइन कर ले इसको, किरादत मकासिद की बुजुर्ग पूरे मुल्क में खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई, लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि अब दस्तूर बनाने का काम, लोगों की ख्वाहिशात और मजहब का भी पूरा हो जाएगा, यानी जो हमने आईन बनाना है, अब जो आईन बनेगा लोगों की अपनी मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक बनेगा, कोई दूसरा आईन नहीं आएगा, बल्कि जो पाकिस्तान के अवाम जिस दस्तूर को पास करेंगे, जिस आईन को पास करेंगे, वही जो है वो लागू होगा, वही इन्फोर्स होगा पाकिस्तान में, ठीक हो गया। दस्तूर बनाने का काम, दस्तूर बनाने का आगाज, दस्तूर बनाने का आगाज यानी कि आईन बनाने का आगाज कर दिया गया कि पाकिस्तान का आईन बनाया जा सके, ठीक है। तो किरादत मकासिद की अहमियत का दावा लगाया जा सकता है कि इस किरादत की मंजूरी के बाद मुल्क में दस्तूर बनाने के काम का आगाज कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में आईन बनाने का आगाज कर दिया गया। इस मकसद के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे बुनियादी सुलूक की कमेटी का नाम दिया गया, बुनियादी सुलूक की कमेटी का नाम दिया गया, ठीक है। ये भी अंदर लगा लीजिए कैटी बन सकती है बुनियादी सुलूक की कमेटी, जबकि जब आपका किरादत मकासिद पास हो गई तो फिर आईन बनाने का काम शुरू कर दिया गया, इसके लिए क्या किया गया, एक बुनियादी कमेटी, बुनियादी सुलूक की कमेटी बनाई गई जिसने आईन बनाने का काम करना था। इसके बाद किरादत मकासिद ने दस्तूर बनाने के लिए बुनियादी सुलूक की निशानदेही की, बुनियादी सुलूक की निशानदेही कि भाई ये असूल होना चाहिए आईन बनाने के लिए, ये असूल कवानीन होने चाहिए। किरादत मकासिद आईन का हिस्सा, किरादत मकासिद आईन का हिस्सा, तो बेटा ये 1956 में आईन बना, कुछ अर्से चला लेकिन कैंसिल हो गया, लेकिन ये लेकिन किरादत मकासिद उसमें शामिल थी। 1962 का आईन बना, कुछ अर्से चला लेकिन किरादत मकासिद उसमें भी शामिल थी, ठीक है। लेकिन 1973 का आईन बना तो उसको किरादत, उसमें भी किरादत मकासिद शामिल थी, लेकिन उसको आईन का बाकायदा हिस्सा बनाया गया 1985 में, ठीक है।
तो राजा काशिफ ने पाकिस्तान में रहने तमाम दशातीर में, यानी पाकिस्तान में तमाम दशातीर जो थी, तमाम कॉन्स्टिट्यूशन बने, तीन कॉन्स्टिट्यूशन बने 56, 62, 73। तो तीनों दशातीर में कदालत काशिफ को इब्तदाई में शुरू के पेजेस में शामिल किया गया। और 1973 के आईन में तरमीम करके जिसे आईन का बकायदा हिस्सा बना दिया गया, लेकिन 56 में और 62 में आईन का हिस्सा नहीं थी, आईन में शामिल नहीं थी, लेकिन उसका जो दिबाचा होता है ना, पहला पेज होता है, उसमें एज ए रेफरेंस के तौर पर कदालत काशिफ को शामिल किया गया। 56 में भी शामिल किया गया, 1962 में भी शामिल किया गया, लेकिन कदालत काशिफ को आईन का बकायदा हिस्सा बना दिया गया। कब बनाया गया? 1985 में। और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, 1973 का आईन बना गया, तो 85 में, यानी जब 1973 का आईन बना, उस वक्त एक कदालत काशिफ शामिल नहीं थी, लेकिन ये 1985 में एक तरमीम की गई, 1973 के आईन में तब्दीली की गई। कब की गई? 1985 में। और तब्दीली करके कदालत काशिफ को आपको ये है वो आईन का बकायदा हिस्सा बना दिया। अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो कदालत काशिफ है वो पहला जो पॉइंट है, पहली जो प्रोविजन है, पहला जो सेक्शन है, वो कदालत काशिफ है, यानी कि आईन का हिस्सा है। पहले ये आईन का हिस्सा नहीं था, शुरू में प्रीएम्बल्स के तौर पर, दिबाचे के तौर पर शामिल था। ठीक है, तो बेटा ये भी क्लियर हो गया आपका टॉपिक। इसके बाद दस्तूरी साज़ के मराहिल भी एग्जिट करते हैं, 56 का आईन के खसूसियात भी एग्जिट करते हैं, आईन की मनसूबी भी एग्जिट करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर जो भी छोड़ते हैं। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 46 पे आ गए। ठीक है, उसमें टॉपिक है पाक भारत जंग, पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर 1965, 1965 की जो जंग थी। ठीक है, ये भी आपके टॉपिक में शामिल है। क्यों हुई, कैसे हुई, क्या वजूहत हुई, पाकिस्तान यानी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला क्यों किया, कब किया, किसलिए किया, क्या रीजन थी, क्या वजूहत थी, तो ये उसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, भारत ने पाकिस्तान से ही जमे पाकिस्तान थे, लेकिन जब पाकिस्तान बनाया गया या पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए हर किस्म की चाल चली गई। तो हेडिंग आई है पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश, पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश, यानी जब पाकिस्तान का क्या अमल में आया, उसी दिन से इंडिया ने कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरह से पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, पाकिस्तान को नाकाम रियासत साबित किया जाए। और ऐसी तकसीम की गई कि उनके जहन में यही था कि पाकिस्तान दोबारा से टूटे और दोबारा से हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। ठीक है, तो हर किस्म की चाल चली गई। मसलन कभी सरहदी तनाजियात, यानी कि बाउंड्रीज पर डिस्प्यूट, यानी कि सरहदों पर आए दिन कोई ना कोई झड़पें होनी। ठीक है, सरहदी तनाजियात, जैसे जम्मू कश्मीर का मसला था, ये एक सरहदी तनाजिया है। ठीक है ना, तो कभी सरहदी तनाजियात, तनाजे पर झगड़ा। ठीक है, कभी पानी का मसला 1960 में, यानी कि ये 65 की बात थी ना, तो 1960 में इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। ठीक है, तो फिर इसके बाद इसके आपको याद होगा सिंधास फायदा 1960 में, और सिंधास फायदे के तहत पाकिस्तान के तीन दरिया जो इंडिया को दे दिए और तीन दरिया पाकिस्तान को दे गए। तो ये पानी का मसला, पानी का तनाजा। ठीक हो गया, एक है सरहदी तनाजा, दूसरा पानी की तकसीम का मसला, कभी असासों की तकसीम में रुकावट, वही जो एसेट्स थे जो पाकिस्तान को नहीं मिले, गैर नसाबी तकसीम थी, और कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के तलुका खराब करना, यानी कि ये जो इश्यूज थे, ये जो प्रॉब्लम थी, ये साजिशें थी, ये इन सब को मिलाकर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा करना। ठीक है, जिससे पाकिस्तान और इंडिया के तलबात खराब हो गए। इन सब वाक्यात की वजह से 1965 में पाक भारत जंग छिड़ गई। ठीक हो गया, तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन मान सकता है कि पाक भारत जंग छिड़ने की वजूहत बयान करें। ठीक है, पाक भारत जंग छिड़ने की वजूहत बयान करें, तो ये पहला पैराग्राफ क्या आएगा। ठीक है, लिख लें पाक भारत जंग
की वजूहत, भी मैंने बताई है, रीजन बताई है, उसकी वजूहत में आ जाता है। ठीक है, अगला है जी, तो सितंबर 1965 में बाल बाल जन्म छुट गई, 6 सितंबर 1965। ठीक है, यहाँ पे सर खाली सितंबर लिखा हुआ है, सितंबर ये 6 सितंबर 1965 में पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हो गई, छिड़ गई। अच्छा जी, हेडिंग आ रही है रन ऑफ कुछ का तनाजा, रन ऑफ कुछ का झगड़ा, रन ऑफ कुछ पाकिस्तान में है बेटा, इलाके का नाम है रन ऑफ कुछ। ठीक है, तो झगड़ा कहां से स्टार्ट हुआ, रन ऑफ कुछ से। ठीक है, रन ऑफ कुछ में पाकिस्तान पाक भारत सरहदी तनाजा 1965 के मौसम भाव से शुरू हो चुके थे, सरहदी तनाजा शुरू हो चुके थे कौन से मुकाम पर, रन ऑफ कुछ के मुकाम पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदी तनाजा झगड़े शुरू हो चुके हुए थे और कभी कभी दोनों तरफ से एक दूसरे पर फायरिंग होती रहती, यानी कि इस दौरान दोनों जो आर्मी थी वो एक दूसरे के खिलाफ फायरिंग करती रहती थी। ठीक है, इस तरह कश्मीर में भी हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे थे, कश्मीर में भी हालात, उसको 1-2-3 करके लिखिए जरा, के तनाजा 1965 में मौसम बहार में शुरू हो चुके हुए थे, कभी कभी दोनों तरफ से फायरिंग होती, नंबर एक कर ले इसको, इस तरह कश्मीर में भी हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे थे, नंबर 2 कर ले, भारत के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री, नंबर 3 करें, भारत के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने कश्मीर के मसले को पाकिस्तान और भारत के दरबार के लिए सामने से करार दे दिया, यानी कि भारत का जो वज़ीर आज़म था उसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, अंडरलाइन कर ले इसको, उसने कहा कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत में एक सामान्य मसला है, आम सा मसला है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसको हम खुद ही हल कर लेंगे, मिल बैठ के हल कर लेंगे, ये कोई बहुत इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है, इंटरनेशनल इशू नहीं है, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सामान्य मसला है, आम सा मसला है। किसने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जो भारत का वज़ीर आज़म था। भारत ने शताब्दी राज वापस कर दिया, तो 1965 में अंडरलाइन कर ले इसको भी, इसको भी नंबर 4 करके करें कि 1965 में रियासत जम्मू कश्मीर में भारत ने शताब्दी राज वापस कर दिया, वहां पे यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म कर दिया और वहां पर अपना मुल्क, अपने मुल्क का सदर को अपना, यानी कि जो भी उनका सदर था, जो उनका है मुसलमान ही था, जो सदर शताब्दी निज़ाम वापस किया और जिसके द्वारा सदर को अपॉइंट किया गया है वो मुसलमान ही था लेकिन वो इंडिया के साथ था। ठीक है, तो शताब्दी राज नाफिस कर दिया गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खत्म कर दी गई, जिसका मतलब यह था कि मकबूजा कश्मीर जम्मू कश्मीर पर, हाँ यानी कि इसका मतलब था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत का मुकम्मल कब्जा है, यानी कि ये मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का, ऐसा शताब्दी निज़ाम नाफिस करने का मकसद क्या था कि ये जम्मू कश्मीर है, मकबूजा जम्मू कश्मीर है, ये भारत का बाकायदा हिस्सा है। इस पर कश्मीरी अवाम ने इस भारतीय तसल्लुत कब्जे, भारतीय तसल्लुत भारतीय कब्जे के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए, भारतीय कब्जे के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए, इन तमाम वाकयात ने दोनों मालिक दरमियान कशीदगी बढ़ा दी, करके मामला को खराब कर दिया, कशीदगी बढ़ा दी, मामला को खराब कर दिया, टेंशन क्रिएट हो गई। ठीक है, जंग के अहम वाकयात, गैर ऐलानिया जंग का आगाज अंडरलाइन कर लें, यानी कि ऐलान किए गए बगैर पाकिस्तान पे हमला कर दिया गया, 6 सितंबर सुबह 3 बजे अंडरलाइन कर लें, 6 सितंबर सुबह 3 बजे भारत ने गैर ऐलानिया जंग का आगाज किया और बैन अल-अक़वामी सरहद अबूर करते हुए, यानी कि पाकिस्तान की सरहद को अबूर कर लिया, इंटरनेशनल सरहद जो बैन अल-अक़वामी सरहद होती है, जो दोनों ममालिक के दरमियान सरहद होती है, दोनों ममालिक मानते हैं कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना, तो इंडिया ने वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज बैन अल-अक़वामी सरहद को अबूर कर लिया, क्रॉस कर लिया, और मगरबी पाकिस्तान, ये वाला जो पाकिस्तान जिसमें हम बैठे हैं खड़े हैं, मगरबी पाकिस्तान पर हमला कर दिया, इनमें जो अहम सेक्टर थे, यानी कि मगरबी पाकिस्तान पर हमला किया उनके अहम सेक्टर, ठीक है, अहम सेक्टर कहाँ कहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो 3 मकाम थे, लाहौर सेक्टर था, लाहौर सेक्टर नंबर 1 कर लें, रन ऑफ कुछ,
नंबर दो कर ले, सियालकोट में चोइंडा का इलाका था और कश्मीर, चार अहम सेक्टर थे जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया। दोबारा से नारा लगाओ, लाहौर सेक्टर में हमला किया, रन ऑफ कुछ के सेक्टर में हमला किया, सियालकोट चोइंडा के सेक्टर में हमला किया और कश्मीर के इलाके में हमला किया। तो ये चार अहम सेक्टर पे इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। जब ये हमला हुआ तो उस वक्त जो पाकिस्तान के सदर सदर मोहम्मद अयूब खान साहब थे, उन्होंने फिर एक तकरीर की, ठीक है। जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सदर मोहम्मद अयूब खान जो पाकिस्तान के सदर थे, फील्ड मार्शल भी थे और पाकिस्तान के सदर भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, उन्होंने रेडियो और टीवी पर पाकिस्तान से खिताब किया। तो लिखे जी हेडिंग डालें, सदर अयूब का रेडियो और पाकिस्तान टीवी पर खिताब, सदर अयूब का रेडियो टीवी पर कौन से खिताब करते हुए फरमाया, कौन से खिताब आएगा, हेडिंग आ जाएगी। आपने बेटा इसे तथ्य यूनाइटेड कॉमर्स में लिखना है, हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन को पसपा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, शिकस्त देने के लिए, पसपा करने के लिए, उनको शिकस्त देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ गए हैं। और पाकिस्तान की मसल्ला फौज, यानी कि पाकिस्तान की तीनों फौज, बहरी, बर्री और फजाइया, बहादुरी का मुजाहरा करेगी। बहादुरी का, पाकिस्तान की मसल्ला फौज बहादुरी का मुजाहरा करेंगी। हमारी मसल्ला फौज नाकाबले शिकस्त जज्बे से, यानी कि हमारी मसल्ला फौज को, हमारी फौजों को शिकस्त नहीं दी जा सकती, दुश्मन को शिकस्त देगी, ठीक है। हमारी मसल्ला फौज है वो नाकाबले शिकस्त है और दुश्मन को शिकस्त देंगी। और भारतीय हुक्मरानों को ये इल्म नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है, और भारतीय हुक्मरानों को, भारतीय जो जो लोग हैं या भारतीय जो गवर्नमेंट है, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है, ठीक है। ये बड़ा इसका खिताब वाले का यहाँ तक है, ठीक है। अगर चाहता है कि सदर मोहम्मद अयूब ने 1965 की जंग में खिताब, जो खिताब था वो उसको अपने अल्फाज में लिखे, तो बेटा फिर आपने ये वाला लिख देना, ठीक है। पाकिस्तानी अवाम की का, पाकिस्तानी अवाम का जोश खरोश, पाकिस्तानी अवाम का जोश खरोश उठा बेटे जाएगी। पाकिस्तान की फौज ने जवान मर्दी के साथ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया, जवान मर्दी से यानी कि बहादुरी के साथ अपने से कई गुना दुश्मन का मुकाबला किया। और पाकिस्तान की बहादुर अवाम ने अपनी फौज का भरपूर साथ दिया, फौज ने अपने से बड़ी फौज का, पाकिस्तानी फौज ने अपने से बड़ी सी फौज का, से बड़ी जवान मर्दी से, बहादुरी से मुकाबला किया। और पाकिस्तानी अवाम की जो बहादुरी थी वो भी देखने के काबिल थी, अपनी फौज का भरपूर साथ दिया, मिली टंगों ने अवाम और अफवाज के जज्बे को मजीद बढ़ा दिया। यानी कि जो नेशनल एंथम होते हैं, जो मिली टंगे होते हैं, ठीक है, वो उससे पाकिस्तान की अवाम में जोश व जज्बा बढ़ गया, पाकिस्तानी फौज में भी जोश व जज्बा बढ़ गया। और लाहौर वाका के अच्छा अगले बेटा निकालें, राजा अजीज भट्टी की बहादुरी और शहादत, मेजर राजा राजा अजीज भट्टी की बहादुरी और शहादत। लाहौर वाघा सुना, वाघा पटना, ठीक है, लाहौर के वाघा के पास पर मेजर राजा अजीज भट्टी और उनके साथियों ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। कहां पर? वाघा के बॉर्डर पर। किसने मुकाबला किया? राजा मेजर अजीज भट्टी, और दुश्मन को अपने इलाके में दाखिल होने से रोक के रखा, और दुश्मन को इलाका, वो जो बी आर बी नहर है वाघा बॉर्डर पर, भी गए हो आप तो आपको एक नहर नजर आएगी, उसमें से एक नहर निकलती है जिसे हम मुस्लिम रोड की नहर कहते हैं। वो जो लहर जो नहर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो वाघा बॉर्डर से दरिया में जो नहर निकलती है उसको बी आर बी नहर कहते हैं, ठीक है। तो वो पाकिस्तान के जो ये जो मेजर राजा अजीज भट्टी थे, उनके साथियों ने भारतीय फौज को वो नहर अबूर करने ना दी, अपने इलाके में दाखिल होने से रोके रखा। उन्होंने अपनी जान का नजराना तो पेश कर दिया कि वो जो बटालियन थी जिसमें वो राजा अजीज भट्टी जिसको लीड कर रहे थे, अपने बटालियन को, अपने दस्ते को, वो उसमें राजा अजीज भट्टी वो कमांड करते हुए वो शहीद भी हो गए उसमें, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया मगर दुश्मन कामयाब ना होने दिया, लेकिन वो अपना जान तो उन्होंने दे दी, शहादत का रकबा पा लिया, लेकिन दुश्मन को जो वाघा बॉर्डर है वो बिहार की नहर को पार करने ना दी, और दुश्मन बिहार की नहर को पुर कर ना कर सका। इस बहादुरी के सिले में
निशाने हैदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आजाद है उसे क्या कहते हैं, निशाने हैदर। ये किसको मिला, विजय अजीज भट्टी को मिला। अगला है चिविंडा का महाज, हेडिंग डाल लें, ये पाकिस्तान में है बेटा चिविंडा। चिविंडा के मुकाम पर टैंकों की बड़ी जंग लड़ी गई, चिविंडा के मुकाम पर टैंकों की बड़ी जंग लड़ी गई, और ये कहते हैं कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी। पहली जो जंग जो कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दूसरी जंग के टैंकों की जंग लड़ी गई, ये उसके बाद दूसरी बड़ी जंग थी जो चिविंडा के मुकाम पर लड़ी गई टैंकों के जरिए। ठीक है, टैंकों की बहुत बड़ी जंग लड़ी गई, हमारे जवानों ने अपने जिस्मों पर बम बाल कर दुश्मन को टैंकों का रास्ता रोका, यानी कि जो पाकिस्तानी फौजी थे उन्होंने अपने जिस्मों पर बम बांध लिए और जहाँ जहाँ से इंडियन टैंक गुजरता वो उसके नीचे घुस जाते और अपने आप को उड़ा देते, जिससे वो टैंक तबाह हो जाता, उसके अंदर जो फौजी थे वो भी हलाक हो जाते थे। ठीक है, अपने जिस्मों पर बम बांध कर दुश्मन के टैंकों का रास्ता रोके रखा। पाकिस्तानी फजाइया का किरदार भी ऐड कर लें, पाकिस्तानी फजाइया का किरदार अगली से बैठी डाल लें, यानी कि एयरफोर्स का किरदार। हमारी फजाइया ने भी अपनी सलाहियत से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया, सिर्फ इब्तदाई तीन दिनों में, शुरू के तीन दिनों में भारतीय फजाइया की कमर तोड़ कर रख दी, भारतीय फजाइया की कमर तोड़ कर रख दी। फजाई जंग में स्क्वाडन लीडर, स्क्वाडन लीडर पर कहते हैं कि वो छः से सात जहाज होते हैं, इन छः या सात जहाज़ों में जो सबसे आगे फ्रंट मैन होता है उसे स्क्वाडन लीडर कहते हैं, यानी कि वो बाकी जो छः पीछे जहाज हैं सातवां वो होता है। ठीक है, पहला वो होता है, बाकी उसके पीछे छः जहाज होते हैं। ठीक है, तो वो जो जिस तरह से वो स्क्वाडन लीडर इंस्ट्रक्शन देता है वो बाकी जहाज उस तरह से वो फिर उस पर अमल करते हैं। तो वो स्क्वाडन लीडर कौन था, उसको लीड कौन कर रहा था, एम एम आलम। ठीक है, स्क्वाडन लीडर एम एम आलम का नाम हमेशा के लिए तारीख में रकम हो गया, यानी कि हिस्ट्री जो है वो याद करेगी जिसको एम एम आलम जो स्क्वाडन लीडर था फजाइया का, उसने सिर्फ एक मिनट में बाटर फजाइया के पांच जहाज फिजा में तबाह कर दिए, यानी कि फिजा में ही इंडिया के पांच जहाज तबाह कर दिए एक मिनट के अंदर अंदर, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ठीक है, पाकिस्तानी फौजी जवानों ने जंग की तारीख के यादगार कारनामे सर अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश किया। हमारे कई फौजी जवानों ने अपनी ये जो बहादुरी के जो वाक्यात थे उसको उन्होंने दिखाए भी, बहादुरी के जो जोश जज्बा भी दिखाया और जामे शहादत भी नोश किया, जबकि अवाम के जज्बा भी देखने के काबिल था। ठीक है जी, अब जंग के असरात, इम्पैक्ट ऑफ वार, कौम का शीशा पलाई दीवार साबित होना, कौम का शीशा पलाई दीवार साबित होना, यानी कि कौम जो था वो एक लोहे की दीवार की तरह खड़ी हो गई। ठीक है, कौम का शीशा पलाई दीवार साबित होना, इस अवामी जोश और खरोश के पेश नज़र पाकिस्तान के तीनों शहरों लाहौर सरगोधा सियालकोट को हलाल इस्तकलाल से नवाजा गया, यानी कि हलाल इस्तकलाल ये एक झंडा है जिसमें चांद सितारा बनाता है, उसे हिलाले इस्तकलाल कहते हैं। तो तीन शहर ये जो थे ना, क्योंकि यहाँ पर आवाम बाहर भी निकली, अपने फौजी भाइयों की मदद भी की और आगे जंग में भर चढ़ का हिस्सा भी लिया। ठीक है, तो इन शहरों को फौजी इस्तकलाल से नवाजा गया, हिलाले इस्तकलाल से नवाजा गया। लाहौर सरगोधा सियालकोट अंडरलाइन कर लें, लाहौर सरगोधा सियालकोट को किससे नवाजा गया, हिलाले इस्तकलाल से। ठीक है, ये भी एजाज होता है। ठीक बेटा, इस जंग की बदौलत पाकिस्तान के अवाम में कौमी जब चाहती हुई इतिहाद के रूप पैदा हुई, पूरी कौम ने अपनी जाती अंदरूनी इखलाफा उड़ा दी, यानी मुसलमान जो सिंधी थे, बलोची थे, बंगाली थे वगैरह वगैरह, ये आपस में जो एक दूसरे से नफरतें भरी हुई थी और एक दूसरे की दुश्मन थी, ये उन्होंने उधर टाइमिंग उसको बढ़ा दिया और जो पाकिस्तानी फौज की भरपूर इमदाद भी की, उनकी मदद भी की, इखलाकी तौर पर मदद की, मतलब होगा पूरे नजम जुलों के साथ हमलावर दुश्मन का मुकाबला किया, जिसने हमलावर जो हमला करता है। सदर पाकिस्तान के पीपल कौम ने दिल खोल कर चंदा दिया, यानी कि डोनेशन भी दी। ठीक है, पाकिस्तानी फौज के लिए नौजवानों ने उसका जाकर अपने जख्मी फौजी भाइयों को खून दिया, यानी कि जो फौजी सीधी जख्मी थे उनको खून का दिया भी दिए थे। इस जंग में ब्रादर इस्लामी मालिक ने, यानी जो वो इस्लामी मालिक जो मुसलमान मुल्क भी थे, उन्होंने पाकिस्तान की मदद भी की। इस जंग के अंदर पाकिस्तान का दिफा मजबूत और मसला कश्मीर उजागर हुआ, यानी कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ और मसला कश्मीर पूरी दुनिया को पता चल गया कि एक मसला कश्मीर जो है इंडिया और पाकिस्तान में मेन इशू है, दोनों के तलबा खराब होने की वजह हो गया है, मसला कश्मीर है।
योम दफा की तकरीब डिफेंस डे हम मनाते हैं और हर साल मनाते हैं, ठीक है, 6 सितंबर को हम डिफेंस डे मनाते हैं। तो योम दफा की तकरीब अंडरलाइन कर लें, हर साल 6 सितंबर को योम दफा की तकरीब जोश व खरोश और जज्बे से मनाई जाती है, ताकि एक दफ़ा फिर दुश्मन को बताया जाए कि तमाम सच्चे जज्बे आज भी अपने वतन के लिए हैं, लेकिन हम आज भी अपने वतन की इबादत के लिए खड़े हैं। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। इस हमले के जवाब में हमारी फौज ने जिस तरह दुश्मन का वतन का दफा किया और इसकी मिसाल नहीं मिलती। हर कोई अपने अपने दाल में बदले जय के लिए कुर्बानी देने को बेकरार रहता है। फौज के साथ साथ 1965 की पाकिस्तान ने पाकिस्तान और भारत जब आवाम के जज्बों और दुआ की बदौलत फतह पाकिस्तान का मुकदर बनी और कौमी यकजहती अबुल बदरी कौमी यकजहती है कि कौम एक हो गई। अबुल बदरी वतन से मोहब्बत और इतिहाद ने हमारी सर दुनिया में पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया, ऊंचा कर दिया। इस जंग में पाकिस्तान के बहादुर फौज ने भारत के दांत खट्टे कर दिए, उनको शिकस्त दे दी, इबरतनाक शिकस्त दी। मुल्क और कौम की हिफाजत करने वाले बहादुर जवानों को सलाम के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी परवाना की और शहादत के ऊँचे मरतबे पर फायदा हुआ। बेटा ये जो करा करा के उसको आप 6 सितंबर वाला लिखे तो निचली जो 3 लाइनें हैं ना, ये हासिल कलाम में लिख लेना आपने, ठीक है, ये आपको हासिल कलाम आ जाएगा। कहना हो गया बस, ठीक है बेटा। अच्छा अब बेटा ये लेक्चर तकरीबन खत्म हो गया, लेकिन आप ये है कि इसमें आपने जो हमारे इस्लामी सिलेबस में है वो आपने याद कर लेना है। मशरकी पाकिस्तान की रैली और बांग्लादेश का क्याम है अगला हमारा टॉपिक है, वो टाइम नहीं है जिसमें उसको देख लीजिएगा। मशरकी पाकिस्तान की रैली के सबाब वो क्या वजूहत थी जिससे ईस्ट पाकिस्तान वो वेस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ, ठीक है भाई। ये दो टॉपिक रह गए बेटा, इसको आप अपने खुद से अच्छी तरह से कर लीजिएगा, टाइम का मैं करवा भी दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आपने खुद से करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।